गाइस और मेरे चैनल में आज आप सबका स्वागत है। आप सबको बड़ा अलग लग रहा होगा क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को हिंदी में बनाना चाहती हूँ। पहला, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं और दोस्त हैं जो हिंदी में एक बेसिक वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब हिंदी में एक ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जो मेकअप की बहुत जो जरूरी चीजें हैं, जो हमें मार्केट में इतनी सारी चीजें हैं आजकल कि क्या लें क्या ना लें ये पता ही नहीं चलता। तो बिल्कुल जरूरी चीजें जो अगर आप मेकअप करना चाहते हैं, लाइक आप शुरुआत कर रहे हैं मेकअप की, आपको उन चीजों की जरूरत होगी, उसकी वीडियो मैं आज हिंदी में बनाना चाह रही हूँ ताकि मेरे सारे व्यूअर्स को समझ आए। मेरी भाषा इंग्लिश है, मैं बीच में इंग्लिश के वर्ड्स डालती रहूंगी तो आप समझ जाएंगे, पर आपको मेरी सारी बात समझ आएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेकअप के कौन कौन से जरूरी चीजें हैं जो आप शुरुआत में आपको खरीदनी चाहिए बस एक अच्छी लुक देने के लिए, तो आप इस वीडियो को देखते रहे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक सब्सक्राइब का लाल बटन जो नीचे लिखा हुआ है उस पर जरूर क्लिक करें। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो कोई भी नई वीडियो जब मैं अपने चैनल पर डालूंगी आपको वो नोटिफाई हो जाएगा। उसके साइड में एक बेल का, एक घंटे का निशान भी है, प्लीज उस घंटे के निशान को दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक नई वीडियो के बारे में पता चले। और बिना कोई देरी के हम सीधा इस वीडियो में जाते हैं। मैं थोड़ा अजीब बात करके दिखूंगी इस वीडियो में बिकॉज मुझे आदत ही नहीं है वीडियो में हिंदी में बात करने की, चाहे मैं पूरा दिन हिंदी में घर में बात करती हूँ लेकिन कैमरा के सामने बैठ के हिंदी में बात करने की मुझे आदत नहीं है। पर हाँ, मैं कोशिश करूंगी और मैं इस वीडियो को बिल्कुल हिंदी में ही बनाऊंगी। सबसे पहला चीज आपको मेकअप करने से पहले करना होता है अपने फेस को अच्छे से साफ रखना। अगर आपकी स्किन अच्छी होगी आपका मेकअप उतना ही अच्छा दिखेगा। तो अपने फेस को वॉश करें, धोएं अच्छे से, फिर उस पर क्रीम लगाएं, उसे मॉइस्चराइज करें अच्छे से ताकि आपका फेस बिल्कुल भी ड्राई या खुश्क ना रहे। इसलिए अपने फेस का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आपका मेकअप बहुत अच्छा दिखेगा। तो पहली चीज मॉइस्चराइजर क्रीम, मैं फैब इंडिया की क्रीम यूज करती हूँ और ये विटामिन ई डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। हर एक प्रोडक्ट का नाम और वो कितने का है और अगर उसका लिंक मुझे कहीं ऑनलाइन मिलता है, सारा कुछ मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक एरो दिखेगा आपको छोटा सा, आप उसे क्लिक करें और उसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स के नाम और उनके लिंक मिलेंगे जो भी मुझे ऑनलाइन दिखेंगे, आप उन पे क्लिक कर सकते हैं उनको डायरेक्टली खरीदने के लिए। तो पहली है ये क्रीम और मॉइस्चराइजिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्किन भी ड्राई है तो भी आपको मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कोई ऐसा मॉइस्चराइजर लें जो कि बहुत हैवी ना हो, बिल्कुल लाइट सा हो, मतलब आपको लगा के बहुत ज्यादा ऑयली ना लगे। ऐसा क्रीम भी मार्केट में बहुत सारी है, आप जाएं आप अपने लिए वो खरीदें, पर अपने फेस पे क्रीम लगाना बहुत जरूरी है वरना आपकी स्किन बहुत ड्राई और डल दिखेगी। उसके बाद हमारे पास है दूसरा, वो है बेस, मतलब अपने मेकअप का बेस बनाना। अब वो आपकी जरूरत पे डिपेंड करता है। अगर आपके फेस पे बहुत सारे दाग हैं और आप उनको छुपाना चाहते हैं तो आप एक फाउंडेशन यूज करें। अगर आपके फेस पे बहुत सारे दाग नहीं हैं, बस आप थोड़ी सी कवरेज, मतलब और अपने फेस को एकदम नीट बनाना चाहते हैं कि एकदम साफ लगे, ऐसा ना लगे कि यहाँ दाग, यहाँ कुछ, यहाँ स्पॉट कुछ भी, मतलब बहुत कम कवरेज देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देना चाहते, तो आप एक सीसी क्रीम यूज करें। शुरुआत में मैं कहूंगी आप एक सीसी क्रीम से शुरुआत करें। जब आप एक सीसी क्रीम के यूज टू हो जाएंगे फिर उसके बाद आप फाउंडेशन पे मूव कर सकते हैं डायरेक्टली। मैंने भी फाउंडेशन यूज नहीं की, मैंने भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम ऐसी चीजों से शुरुआत की थी। तो मैं भी यही सलाह दूंगी सबको कि आप इन चीजों से शुरुआत करें, फिर देखें अगर आपको और कवरेज की जरूरत है तो आप फाउंडेशन यूज करें। तो सीसी क्रीम जो मेरी बहुत ही फेवरेट है वो है लैक्मे सीसी क्रीम। इसमें मैं शेड यूज करती हूँ ब्रॉन्ज और ये बहुत अच्छी है, इसका प्राइस भी बहुत सही है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी सीसी क्रीम है। मार्केट में और भी बहुत सारी सीसी क्रीम है, आपको देखना पड़ेगा आपके लिए क्या अच्छा काम करती है। मेरे लिए लैक्मे बेस्ट है। और फाउंडेशन, जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो फाउंडेशन में भी बहुत तरीके की फाउंडेशन आती है। ड्राई स्किन के लिए आती है, ऑयली स्किन के लिए आती है और
बहुत ऐसी फाउंडेशन आती है जो पूरी कवरेज देती है और ऐसी फाउंडेशन भी आती है जो थोड़ी थोड़ी कवरेज देती है। तो आपको देखना पड़ेगा आपके लिए क्या जरूरी है, आप क्या करना चाहते हैं। पर क्योंकि ये वीडियो एक ऐसे बंदे के लिए है जो मेकअप में स्टार्ट कर रहा है, वो एक लाइट कवरेज की फाउंडेशन से स्टार्ट करना चाहेगा, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी ये Maybelline Fit Me फाउंडेशन। ये एक बहुत अच्छी लाइट फाउंडेशन है, ये बहुत हल्की है आपकी स्किन पर, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने अपनी स्किन पे कुछ लगाया हुआ है, लाइक कुछ हैवी लगाया हुआ है। ये बहुत ही हल्की और अच्छी कवरेज की फाउंडेशन है, ये आपके काफी दागों को छुपा देगी और आपको एक स्मूथ फिनिश देगी। तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहूंगी कि रोजाने में मैं फाउंडेशन या सीसी क्रीम नहीं यूज करती। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ कंसीलर यूज करती हूँ। कंसीलर आपके दाग या आपके किसी भी दाने को छुपाने के लिए है। जो फाउंडेशन है वो आपको एक साफ बेस देती है और जो कंसीलर है वो आपके दाग को छुपाती है। तो आप उस हिसाब से अपनी चीजों को यूज करें। जो कंसीलर मैं यूज करती हूँ वो दोबारा Maybelline का ही है और सेम रेंज Maybelline Fit Me रेंज का है। ये वाला कंसीलर है जो मुझे बहुत पसंद है। ये कंसीलर दागों को छुपाता है और साथ में आपके उन भागों को हाईलाइट भी करता है, उभार के दिखाता है, उनको शाइन देता है। तो ये वाला कंसीलर बहुत अच्छा कंसीलर है। दोबारा इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर कंसीलर्स, मतलब बाकी के कंसीलर्स से अगर आप कंपेयर करें तो इसका भी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, पर एक बहुत अच्छा कंसीलर है। और मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि एक अच्छे कंसीलर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं लगेगी अगर आपका कंसीलर बहुत अच्छा होगा। बस जहां पे आपको लगता है आपको अपने दाग छुपाने हैं वहां पे कंसीलर लगाइए। ये एक वैंट के ऐसे एक वैंट के साथ आता है, तो आपको डायरेक्टली अपने दागों पे वो कंसीलर लगाना है और आप उसको बस ऐसे ऐसे कर ब्लेंड करें और आपके वो दाग छुप जाएंगे। अगर आपके फेस पे कोई बम्प है, जैसे कोई फिंसी हो गई है जो ऐसे उठी हुई है, आप फाउंडेशन लगाइए कंसीलर लगाइए, किसी से भी वो कभी भी छुप नहीं सकती। कोई दाग है तो आपका वो कंसीलर से छुप जाएगा। अब बेस को पूरा सील करने के लिए कि वो अपनी जगह से हिले ना, आपको एक कॉम्पैक्ट की जरूरत है या एक पाउडर की जरूरत है। एक पाउडर जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है अकेला, वो कोई भी कवरेज नहीं प्रोवाइड करता। जो कॉम्पैक्ट होता है उसमें थोड़ा सा कवरेज होता है, जो आपके फाउंडेशन में भी होता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक कॉम्पैक्ट खरीदें ताकि आपके फेस पे आपको और भी कवरेज मिले, मतलब और आपके दाग धब्बे और छुप जाएं और आपका फेस एकदम साफ और क्लियर हो जाए। मैं जो कॉम्पैक्ट यूज करती हूँ वो है L'Oreal True Match कॉम्पैक्ट और एक ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का दूसरा फायदा जो बहुत ही जरूरी है वो है कि आपके मेकअप को सेट करता है। आपको अपने कंसीलर जहां पे भी आप लगाएं, आपको इस कंपैक्ट को लगाना बहुत जरूरी है वहां पे, वरना आपका जो कंसीलर होगा वो लाइनों के बीच में, जैसे आंखों के नीचे जो लाइनें हैं उसके बीच में इकट्ठा हो जाएगा, तो वो एक अच्छा साइट नहीं होता। तो वहां पे कंपैक्ट लगाएं ताकि वो कंसीलर ऐसे उन आंखों के लाइनों के बीच में या कहीं भी फेस के किसी, जब आप हंसते हैं तो इनकी लाइनों के बीच में ना फंस जाए। तो ये है कॉम्पैक्ट। मेरे पास एक और प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो है ये कलर बार का। ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। जब भी मैं कहीं हरी में होती हूँ तो मैं इसे यूज करती हूँ, जब भी मैं कहीं जल्दी में होती हूँ। इसमें फाउंडेशन की कवरेज, मतलब आपके फेस पे थोड़ी सी कवरेज और कॉम्पैक्ट और कंसीलर सब कुछ एक साथ है, मतलब आप बस ये एक चीज बाय करें। इसके साथ एक ये पफ भी आता है, ऐसा पफ आता है, आप इस एक चीज को बाय करें, इस पे यहाँ पे डैब करें, सारे अपने फेस पे लगाएं और आपको काफी हल्की हल्की कवरेज मिल जाती है। लाइक आपके काफी हल्के दाग जो थोड़े बहुत होंगे वो छुप जाते हैं। आई थिंक एक सीसी क्रीम या बीबी क्रीम का काम करता है, लेकिन इसमें कॉम्पैक्ट भी है तो आपको किसी पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अकेला ही बहुत होता है। तो ये एक चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपनी शुरुआत में इसे बहुत यूज किया है। मेरे पास फाउंडेशन, सीसी क्रीम, कॉम्पैक्ट, कंसीलर अलग अलग नहीं था, मैं सिर्फ इसको लगाती थी और चले जाती थी। अब जब हमारा बेस पूरा हो गया है तो अब हमें अपने फेस पे थोड़ा थोड़ा कलर देना है इधर उधर, ताकि हमारा फेस बिल्कुल फ्लैट,
मतलब बिल्कुल सीधा सा ना लगे कि हम बस फाउंडेशन लगाया और आ गए। तो हमें उस पर थोड़ा थोड़ा कलर देना है। हमें यहाँ ब्लश लगाना है। ब्लश मैं दो आपको बताना चाहूंगी। एक है ये सिवाना का ब्लश, ये बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है, आपको इजीली इंडियन मार्केट में मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, हर स्किन टोन के लिए आपको इजीली मिल जाएगा और इसमें हल्की सी शाइन भी है, तो आपको कोई भी हाइलाइटर या कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। ये ब्लश आपको अकेला काम कर देगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा शाइन अपने चेहरे पर नहीं पसंद और आप एक सोबर सा, एक सॉफ्ट, बहुत हल्का सा ब्लश अपने चेहरे पर चाहते हैं, तो ये ब्लश जो लॉरियल का है ये बहुत ही अच्छा ब्लश है। और इसका जो ये शेड है ये बिल्कुल पिंकी पिंक नहीं है, ये आपकी स्किन टोन जैसा है लेकिन हल्का सा उससे ज्यादा, तो ये बहुत अच्छा लगता है लगा हुआ। तो ये दोनों ब्लश मैं आपको रिकमेंड करूंगी। लेकिन एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अभी मेकअप की शुरुआत कर रहे हैं तो आप ब्लश को अलग से खरीदेंगे, उसके बाद आगे आप मेकअप सीखेंगे तो और चीजें हाइलाइटर वगैरह यूज करेंगे। उसके अलावा मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ, वो है ये मेकअप रेवोल्यूशन किट। इसमें आपको ब्लश भी मिलेगा, ये रहा ब्लश, और इसमें आपको ये ब्रॉन्जर और हाइलाइटर भी मिलेगा। अब आपको ब्रॉन्जर और हाइलाइटर की डे टू डे में बिल्कुल जरूरत नहीं है, रोजाना आपको ये ब्रॉन्जर हाइलाइटर बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप मेकअप की शुरुआत करके अपना मेकअप आगे सीखना चाहते हैं, जैसे आप अच्छे से मेकअप सीखना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि पहला, इसे आप ब्लश की तरह यूज कर सकते हैं, इसे और इसे मिक्स करके आप एक बहुत लाइट ब्लश भी बना सकते हैं, इससे आप अपना फेस ब्रॉन्ज कर सकते हैं, इससे आप अपना फेस हाईलाइट कर सकते हैं, जो आपको मैं अभी नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि मेकअप की शुरुआत में वो जरूरी नहीं है। और एक और चीज, इससे आप अपने आईब्रोज भी कर सकते हैं। आईब्रोज मेकअप की शुरुआत में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके आईब्रोज के बाल बहुत हल्के हैं तो आप ये थोड़ा सा कलर लीजिए और ब्रश से यहाँ पे भर लीजिए, तो आपके आईब्रोज बहुत ही अच्छे दिखेंगे और आपका फेस शेप ही बदल जाएगा पूरा। तो अपने आईब्रोज को भरकर देखिए, बहुत ही जरूरी और बहुत ही जरूरी स्टेप है ये। एक बार आप ट्राई करेंगे आपको पता चल जाएगा। कभी भी अपने आईब्रोज को भरने के लिए काला कलर या काला शेड ना यूज करें, वरना आपकी आईब्रोज ऐसे उभर कर आएगी। और दूसरी किट जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो है ये मेकअप रेवोल्यूशन की मैट किट। सिंस ये मेकअप की शुरुआत की वीडियो है, मैं आपको इसमें आई मेकअप के बहुत बेसिक्स नहीं देना चाहूंगी। लेकिन अगर आप आगे जाके आई मेकअप भी सीखना चाहते हैं, आईब्रोज ब्रॉन्जिंग सब कुछ करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगी शुरुआत में आप इस किट में इन्वेस्ट करें। क्योंकि इस किट से आप अपना आंखों का मेकअप, आप अपना ब्रॉन्जिंग, आप अपना हाइलाइटिंग, आप अपना ब्लश, काफी कुछ कर सकते हैं, आईब्रोज काफी कुछ कर सकते हैं, तो इस किट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी ब्रॉन्जिंग, कोई हाइलाइटिंग कुछ नहीं करना चाहते, तो आप अकेला ये ब्लश खरीद सकते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। ये शाइनी वाला है और ये थोड़ा मैट है, आपको जो पसंद आए आप वो खरीद सकते हैं शुरुआत के लिए, और बाद में आप चाहें तो इन पैलेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक काजल है जो मेरे को लगता है हर इंडियन लड़की को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी आंखों पे बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्लम का है, प्लम का काजल बहुत अच्छा है, मेबेलिन का काजल बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा काजल मुझे ये मेबेलिन का लगता है। तो आप इन दोनों काजल में इन्वेस्ट करिए। अगर आपका काजल बहुत ही ज्यादा स्मच करता है और आपको एक लाइनर ऊपर के लिए भी चाहिए और नीचे भी चाहिए, तो ये जेल लाइनर है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। ये एक ब्रश के साथ आता है, आप इससे अपना लाइनर ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं। पर दोबारा मैं ये कहूंगी आप शुरुआत काजल से करिए और उसके बाद आप ये जेल लाइनर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी 500 के अंदर अंदर आता है। अगर आप ब्रश से यूज टू है, मतलब आपको ब्रश से काम करना ठीक लगता है, आप ऊपर लाइनर भी लगाना चाहते हैं, नीचे भी लगाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। अब जब मैं आपको मेकअप की सारी चीजें बता चुकी हूँ, तो एक और चीज है जो मेकअप अच्छी तरीके से अप्लाई करने में आपका बहुत काम आएगी, और वो है मेकअप ब्रशेस। आप या तो अकेला ये स्पॉन्ज ले सकते हैं, ये पैक का स्पॉन्ज है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप एक मेकअप ब्रश का सेट ले सकते हैं। मेरे पास ये मेकअप ब्रश का सेट है, ये है BS मॉल से है, इसमें फेस और आई दोनों के मेकअप ब्रशेस हैं,
तो आप इनको भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको आई मेकअप नहीं करना है तो आप इस स्पॉन्ज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्पॉन्ज बहुत अच्छा है अगर आप बहुत ही अच्छा बेस लगाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं लेना चाहते, स्पॉन्ज और मेकअप ब्रश कुछ भी नहीं लेना चाहते, तो भी ठीक है, आप अपना सारा मेकअप अपने हाथों से कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीजें नहीं है। लेकिन क्या होता है कि स्पॉन्ज यूज करने से आपका मेकअप बिल्कुल भी पैची या कहीं भी धब्बे या ज्यादा फाउंडेशन या ज्यादा क्रीम नहीं रह जाती। ये सब कुछ एक एक समान कर देता है, तो इसलिए मैं मेकअप स्पॉन्ज जरूर रिकमेंड करूंगी। पर ये मेकअप ब्रशेस भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप आई मेकअप करना चाहते हैं तो आप उस मेकअप ब्रश में इन्वेस्ट करिए। ये वाला मेकअप ब्रश सेट भी आपको 1000 के अंदर, आई थिंक 600-700 के अंदर अंदर मिल जाएगा। और इनके ब्रिसल्स भी बहुत सॉफ्ट और नरम हैं, तो आपके फेस पे बिल्कुल हार्श नहीं लगेंगे, नुकसानदायक नहीं है ये आपके लिए। तो ये ब्रश है, इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इसके अलावा जो लास्ट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो है लिप प्रोडक्ट। अगर आपको बहुत ही लाइट कलर चाहिए तो आप लिप बाम भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई और लिपस्टिक जो बहुत ही लाइट कलर में हो आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं और आपको अच्छे कलर्स की अच्छी लिपस्टिक चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये मिस क्लेयर सॉफ्ट मैट लिप क्रीम्स। ये बहुत ही सस्ती है, मुझे लगता है ये 190 या 200 की है, और ये बहुत अच्छी है। इनकी कलर्स बहुत अच्छे हैं, ये आपके लिप्स पे बिल्कुल हल्की लगती है, लाइक आपको लगेगा नहीं आपने अपने लिप्स पे कुछ लगाया हुआ है। और ये आपके लिप्स को एकदम मॉइस्चराइज रखेंगी, आपके होंठ फटेंगे नहीं ज्यादा। तो ये एक लिपस्टिक बहुत अच्छी है, या फिर आप मेबलिन की लिपस्टिक्स भी ले सकते हैं, वो भी 200 या 300 की ही आती हैं, और इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। वो क्रीमी भी आती हैं, शाइनी भी आती हैं, बिल्कुल जिनमें शाइन नहीं होती वो भी आती हैं। तो आपकी जैसे पसंद हो आप वैसे ले सकते हैं। एक और ब्रांड जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है L18। उसकी लिपस्टिक्स 100 रुपए की आती हैं बस, और उसमें बहुत सारे प्यारे कलर्स हैं, और उनकी भी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो आप L18 की लिपस्टिक्स भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। और एक और लिपस्टिक जो मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरी बहुत ही फेवरेट है वो है ये कैमिलियन की लिपस्टिक। ये है शेड 25 नंबर, और ये मेरा फेवरेट शेड है। ये मेरे लिप्स को बिल्कुल मॉइस्चराइज रखता है, और ये भी कुछ 200 के आसपास आती है। तो ये एक बहुत अच्छी शेड है, और ये आपको कहीं भी आसपास के इंडियन बाजार में आराम से मिल जाएगी। अगर आप लुधियाना के वासी हैं तो आपको ये कैम में मिल जाएगी। तो हाँ, मिस क्लेयर, सिवाना, कैमिलियन, ये सब इंडियन ब्रांड्स हैं, पर इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप एक बार इनको ट्राई करिए और आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत अच्छे हैं। बस क्योंकि ये इंडियन ब्रांड्स हैं लोग इसको ज्यादा ट्राई नहीं करते, लेकिन ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट जो मैं आपको एक बहुत ही जरूरी चीज बताना चाहूंगी वो है आप अपने मेकअप को बहुत अच्छी तरीके से उतारिए। अगर आप अपने मेकअप को अच्छे तरीके से नहीं उतारेंगे तो आपकी स्किन खराब होगी, आपको दाने दिखेंगे अपनी स्किन पे, आपको लगेगा कोई प्रोडक्ट आपको रिएक्ट कर गया है या कुछ भी। तो अपने मेकअप को बहुत अच्छी तरीके से उतारिए। अब उसके लिए मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए। पहला प्रोडक्ट है ये मेबलिन आंखों और लिप्स का मेकअप उतारने के लिए। आप कॉटन लीजिए, उस पर ये लगाइए, अपनी आंखों का मेकअप और लिप्स का मेकअप उतार लीजिए, और पूरे फेस और आईज और लिप्स हर एक चीज के लिए ये बेबी ऑयल एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप बस थोड़ा सा अपने हाथ में लीजिए, सारे फेस पे मसाज कीजिए और अपना मेकअप उतार लीजिए। अगर आप इन सब चीजों में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप नारियल का तेल यूज करिए अपना मेकअप उतारने के लिए, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेकअप उतारने का। मैंने इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, आप इस वीडियो को भी देख पाएंगे। तो ये है मेकअप उतारने का। लेकिन अगर आप थोड़ा और मनी इसमें डाल सकते हैं तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप बॉडी शॉप के लिए कॉटन राउंड्स खरीदिए। ये आपके स्किन पे बहुत सॉफ्ट रहेंगे, और आपका मेकअप जब आप उतारेंगे तो आपकी स्किन को ऐसे खिंचाव नहीं देंगे। तो ये एक चीज है जो अगर आप थोड़ा सा मनी एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं तो आप ये खरीदिए। अगर नहीं करना चाहते तो कोई भी अच्छा कॉटन का रुमाल वो भी चलेगा, या फिर नॉर्मल कॉटन जो आपको मार्केट में मिलती है वो भी चलेगी, बस वो थोड़ी सी ज्यादा हार्श होती है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी। मुझे लगता है मैंने आपसे सारी जरूरी चीजें जो आपको मेकअप स्टार्ट करने के लिए चाहिए आपसे सब कुछ शेयर कर लिया है। अगर फिर भी आप किसी चीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़िए, मैं जरूर जवाब दूंगी।
और मुझे जरूर बताइए कि आपको ये हिंदी में वीडियो कैसी लगी, आपके काम आई कि नहीं आई, और अगर आप कोई और हिंदी वीडियो देखना चाहेंगे मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस चीज का लाभ उठा सके। तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में देखूंगी जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय। और हाँ, वो घंटी बजाना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।